फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे हैं फील्ड में जाके, तो आपको क्या नजर आ रहा है? बोल क्या हो गया, बोल क्या हो गया? सर मैं ये कह रहा हूँ, कहा जाता है एक मिनट बोलो, क्या हो गया? जवान आदमी क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपकी भी राय जानना चाह रहा हूँ ना, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हर दफा कहा जाता है? तो मैंने तो बात बोला है, आप बताओ कि क्या देख रहे हो बाहर? मैं तो आजकल बाहर नहीं जा रहा। सर ये भी एक कहा जाता है कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो आपको लोग देख रहे हैं, आपको जो है वहां मैं इंसान हूँ भैजान। जिस सवाल का जवाब आपके पास बाहर फिरने के बावजूद नहीं है, तो मैं अपने घर में बैठ के आपको उसका जवाब दे देता हूँ। क्या मियाँ साहब एक ऐसे इक्तदार में आना चाहेंगे जिसमें सारे उनको इस नजर से देखेंगे कि ये वोट से नहीं आए? इमरान रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इमरान भाई माशाल्लाह इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या पसे मंजर क्या नज़र आ रहा है, आगे आता हुआ वक्त कैसा नज़र आ रहा है? पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए और लोगों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को खुल के वोट करना चाहिए, अपनी राय का इजहार करना चाहिए और लोगों की राय के मुताबिक एक नई गवर्नमेंट बननी चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको होते नज़र आ रहे हैं? पीटीआई को प्रॉपर जिस तरीके से 11 प्लेइंग फील्ड है वो दी जाएगी, आपको नज़र आ रहा है? देखिए मैं तो अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे हैं फील्ड में जाके, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? कहा तो ये जाता है हर साल, हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं कि अच्छे फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। बोल क्या हो गया? सर मैं ये कह रहा हूँ, कहा जाता है एक मिनट, आप नहीं जा रहे बाहर? मैं जा रहा हूँ सर। तो क्या देख रहे हैं? देख फिलहाल यही रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जाता है फिर पार्टीज आ जाता है। भाई बोलो क्या हो गया, जवान आदमी क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपकी भी राय जानना चाह रहा हूँ ना, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हर दफा कहा जाता है? तो मैंने तो बात बोला है, आप बताओ कि क्या देख रहे हो बाहर? मैं तो आजकल बाहर नहीं जा रहा। सर आपसे इंस्पिरेशन लेनी है, आपसे ही हौसला लेना है। अच्छा ये भी एक कहा जाता है कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो आपको लोग देख रहे हैं, आपको जो है वहां मैं इंसान हूँ भाईजान। नहीं मतलब आप हैं तो सही, शेर तो है ना सर आप? नहीं मैं इंसान हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे जब अशरफुल मखलूकात बनाया तो मैं वही रहना चाहूंगा। जहां तक आप कह रहे हैं ना, वो जिस सवाल का जवाब आपके पास बाहर फिरने के बावजूद नहीं है, तो मैं अपने घर में बैठ के आपको उसका जवाब दे देता हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, वो होने चाहिए। फिलहाल बहुत सारी शिकायत पॉलिटिकल पार्टीज की हैं और हर इलेक्शन में होती है। इस दफा बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो हमने पहले नहीं देखी। मेरे ख्याल में जो इसके बेनिफिशियरी हैं, जो मियां साहब बेनिफिशियरी हैं, इस दफा फील हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इकतदार में आने की पूरे पर तोल चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या मियां साहब एक ऐसे इकतदार में आना चाहेंगे जिसमें सारे उनको इस नजर से देखेंगे कि ये वोट से नहीं आया? अच्छा ये आपको क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत ही बनेगी खालिस्तान या इलाक कोई ऐसी हुकूमत होगी? ये तो लोग डिसाइड करेंगे पाकिस्तान के। लास्टली बस जाते थे बता दें, ये उस्मान डार की वालदा की कल वीडियो वायरल हो रही है, बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। देखें माएँ सबकी सांझी होती है ना, और माँ की इज्जत और एहतराम होना चाहिए, माएँ सबकी सांझी होती हैं। जिन पुलिस वालों ने ये किया, इवन जो लोग उस्मान डार से इख्तलाफ रखते हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इख्तलाफ रखते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इन अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए। देखें जहां तक नहीं लेकर जाना चाहिए मामले को, और ये अच्छी रवायत नहीं है और हमारे मुआशरे की रवायत है नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।